किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने पर आपको ल्यूक्रेटिव इंडिया बोर मिल सकता है। बाय द वे, ल्यूक्रेटिव इंडिया बोर मींस प्रोड्यूसिंग अ प्रॉफिट, और इसी के साथ साथ आपको 50% रिस्क फैक्टर भी फेस करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसे इन्वेस्टमेंट के तरीके जिससे आपका रिस्क रेशियो काफी कम हो जाएगा। नंबर 1, लोकेशन। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा लोकेशन मैटर करती है, लाइक उसकी सराउंडिंग की अमेनिटीज में अगर आपकी डेली नीड्स फुलफिल हो रही हो, लाइक ग्रॉसरी शॉप्स, मस्जिद, स्कूल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रीकिंग आई गेजिंग व्यू फ्रॉम योर बैल्कनी। लेकिन सर, ये तो जीए टावर भी प्रोवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली। नंबर 2, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। किसी भी प्राइवेट बिल्डर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर देख लें कि बिल्डर की फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है कि नहीं, और दूसरी चीज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत मैटर करती है। फिर आप ओवरऑल एनालाइज करें कि कमिटेड टाइम के बिटवीन इसकी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस क्या है। हे, इस एडवांस टेक्नोलॉजी ने हम सबको बूढ़ा बना दिया है। भाई, कितने फ्लोर्स रह गए? सर, 7वां फ्लोर आने वाला है, जल्दी चले, से पहले नई छत ना डल जाए। चलो 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 चलो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मार्केट एनालिसिस। जिस एरिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे जरूर ये देख लें कि उस एरिया का प्राइसिंग ट्रेंड क्या है, वहां का रेंटल रेट क्या है और वहां का वैकेंसी रेट क्या है। इस एनालाइजेशन से आप बेटर ROI जनरेट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ टेनेंसी लेवल भी आप अपना ग्रो कर सकते हैं। फास्ट इन्वेस्टमेंट से स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर है। नाउ द डिसीजन इज योर्स।